हाय, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक साउथ इंडियन डिश, डोसा और सांबर। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर का खा नहीं पा रहे हैं जैसे, तो मैंने कहा घर में ही बना लिया जाए। और देखिए कितना अच्छा बना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए, और जो साथ में बेल बटन है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखते हैं तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता ही, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। मैं आप ऐसी ही एक इजी सी डिश लेके आती रहूंगी, या कोई भी वीडियो या ब्लॉग, तो आप देखना ना भूलिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, जिससे मेरा कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो फिर देरी किस बात की, मेरे तो मुंह में आ रहा पानी, तो आप भी आइए बनाइए मेरे साथ। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, डोसे का बैटर बनाने के लिए मैंने लिए हैं चावल। ये करीब मैंने इससे मेजर किया था, ये 1/4 कटोरी चावल है। चावल आप कैसा भी ले सकते हैं, जो भी आप यूज करते हैं। और ये 1/4 कप मैंने ली है उड़द की दाल, ये जो धुली उड़द की दाल होती है जिसमें छिलका नहीं रहता वो लिया है। थोड़ी सी मैंने ली है ये चना दाल, और थोड़ा सा ये है मेथी दाना। ये 1 चम्मच मैंने लिया है जिसको मैंने भिगो दिया था, इन सब चीजों को मैंने भिगो दिया था। और 1 चम्मच ली है मैंने यहाँ पे चीनी। इन सबसे जो इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आएगा, क्रिस्प बनेगा। और अगर आपको खमीर उठाना है तो आप इसको रख दीजिए 8-9 घंटे, गर्मियां हैं तो बहुत अच्छे से उठ जाएगा। अदरवाइज आप दही डाल के और इनो डाल के इंस्टेंट बना सकते हैं। तो इनको सब मैं अच्छे से बारीक पीस लूंगी, आप चाहे सबको मिक्स कर सकते हो या पहले इसको अलग पीस सकते हो, मिक्स तो सबको आपको करना ही है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप पहले आप बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे ही करिए, हल्का सा पानी डाल के फिर धीरे धीरे पानी डालिए, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ बैटर आप तैयार कर लीजिए। तो मैं ये छोटे वाले ग्राइंडिंग जार में पीसने वाली हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से पीस लिया और मैंने सबको मिक्स कर दिया है, क्योंकि हमको सबको मिक्स करना था। देखिए अभी ये बैटर बहुत थिक है, तो अभी मैं इसको ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि आधे का मैं इडली में यूज करूंगी। इडली के लिए हमें थिकी बैटर चाहिए, और बाकी मैं डोसे में जब बनाऊंगी तो मैं उसमें वाटर थोड़ा सा और ऐड कर लूंगी। ये ओवरनाइट मेरा भीगा हुआ था, जिसको मैंने दाल चावल जिस पानी में भिगोए थे वो सुबह मैंने ड्रेन कर लिया था, और मैंने नया पानी डाला था, क्योंकि रात भर गर्मी बहुत है तो हल्की सी स्मेल आ जाती है, तो मैंने मॉर्निंग में फ्रेश वाटर इसमें ऐड किया था। तो अभी मैं इसको ज्यादा देर बाहर नहीं निकालने वाली, क्योंकि गर्मी बहुत है। और अगर इंस्टेंट आपको बनाना है तो आप इसमें दही ऐड करिए, मैं दही अभी ऐड नहीं कर रही हूं। मैं अभी इसको फ्रिज में रखूंगी, और मेरे को रात को बनाना है तो मैं 1 घंटे पहले इसको बाहर निकाल के फिर मैं दही ऐड करूं, या फिर मैं ऐसे ही बनाऊं। ये देखिए बहुत बारीक पीसा है मैंने, 2-3 बार इसको चला लिया है। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं है, देखिए बहुत ही स्मूथ बैटर ये बन के तैयार हुआ है। तो मैं अब इसको रख दूंगी ढक करके फ्रिज में, और शाम को यूज करेंगे इसका हम। तो अभी तो इतनी देर, मतलब 1 या 2 घंटे पहले मैं बाहर निकाल के और रख लूंगी। गर्मी बहुत है तो उससे जो है अगर बचता है तो स्मेल थोड़ी सी आ जाएगी, इसलिए मैं अभी दही ऐड नहीं कर रही हूं। और अगर आपको अभी बनाना है तो दही ऐड कर लेती, लेकिन ये देखिए थिक कितना है, ये इडली के लिए बहुत सफिशियंट है इतना थिक। और अगर आप डोसा बनाओगे तो इसमें वाटर जरूर ऐड करना पड़ेगा, नमक भी मैं तभी ऐड करूंगी और इनो पाउडर भी। तो चलिए मिलते हैं फिर जब डोसा बनाते हैं, तब शाम तक की वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैटर हमारा बन गया है, अब हम बनाएंगे सांबर। ये मैंने ली है 1 कटोरी अरहर की दाल है, और थोड़ी सी ही 1/4 कप है ये मैंने ली है चने की दाल, बहुत अच्छी लगती है इसमें। ये मैंने करीब 3 घंटे भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे वेजिटेबल लूंगी, ये मेरा एक छोटा बैंगन है, ये घिया है, ये सीताफल है जो मैंने बारीक कट कर लिया, ये है भिंडी जिसको मैं बाद में डालूंगी। आपके पास जो भी सब्जियां हो वो आप डाल सकते हैं, और अगर बिना आपके पास सब्जी नहीं है तो बिना सब्जी के भी आप ये बना सकते हैं। वो कैसे, आपके पास प्याज होगी, टमाटर होगा, हरी मिर्च होगी, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आपको सब्जियां अवेलेबल हो उसी सब्जी से आप बना सकते हैं। यहाँ मैं डालूंगी 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, और यहाँ पे डालने वाली हूँ 2 चम्मच, ये मेरे छोटे हैं तो मैं इसमें 2 चम्मच डालने वाली हूँ नमक, और ये है थोड़ी सी हींग, ताकि ये जो अरहर की दाल थोड़ी सी जो है डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, तो इसलिए
को डालूंगी। अब इसको मैं हिला लूंगी और ये बंद करके मैं स्टीम करूंगी इसको अच्छे से सिम में, ताकि ये सब्जियां सारी अच्छे से पक जाए। देखिए ये मैंने फ्लेम पे रख दी है और भिंडी को मैं बाद में डालूंगी, बहुत जल्दी वो कुक हो जाएगी तो उसका मजा नहीं आएगा। ड्रम स्टिक हो तो वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ड्रम स्टिक आपको हर सीजन में नहीं अवेलेबल होती। तो इसकी जगह पे मैं डाल रही हूँ भिंडी, उससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो जैसे कि मैंने बताया, जो भी सब्जियां अवेलेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं, तो मजेदार सांभर बन जाएगा। तो इसको अच्छे से मैं स्टीम आने के बाद मैं इसको स्लो कर दूंगी, ताकि सब्जियां अच्छे से सांभर में मिक्स हो जाए। तो चलिए वेट करते हैं, अब दूसरी तैयारी करते हैं। तो गाइस सांभर हमारा हाफ कुक हो चुका है, बस इसके लिए अभी तड़का है और मैंने भिंडी अभी ऐड करनी है। तो इसके लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो जो भी आप यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं गर्म होने दूंगी, थोड़ा सा यहाँ पे गैस को करूंगी मैं थोड़ा सा मीडियम, और वेट करती हूँ इसके गर्म होने का। ये गर्म होगा तभी हम कुछ डालेंगे। मैं अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये सरसों के दाने। गैस को यहाँ पे सिम कर देते हैं ताकि कुछ भी चीज जो है वो जले ना। यहाँ पे मैंने डाल रही हूँ ये सूखी लाल मिर्चें, 3 लाल मिर्चें मैंने यहाँ पे डाली हैं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ते, थोड़ा ध्यान से क्योंकि ये वॉश किए हुए हैं, अभी गीले हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से डालिएगा। और यहाँ पे मैं अब डालूंगी रेड चिल्ली पाउडर, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 चम्मच डालने वाली हूँ। और अब जाएगा यहाँ पे ये इमली का पल्प, थोड़ी सी इमली मैंने भिगो दी थी, इसका मैंने पल्प निकाल लिया। आप इसको छान लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी ऐसी गुठली वगैरह ना आए जिससे कि इसका टेस्ट खराब हो जाए। गैस को यहाँ मैं थोड़ा सा अब हल्का सा तेज कर दूंगी। और यहाँ पे अब मैं डालूंगी सांभर पाउडर, ये डालूंगी मैं 2 चम्मच पूरे भर के, और मैं इसको मिला दूंगी। अब ये जाएगा हमारे सांभर में। बस क्योंकि अब मैं इसको विसल लगाने वाली हूँ एक, जिससे कि हमारी भिंडी गल जाए। मैं भिंडी को भी इसमें ही डाल रही हूँ अभी, और सिर्फ एक ही विसल लगेगी। तो मैं दिखाती हूँ हमारा सांभर किस तरीके से बना है। यहाँ मैं इसको उतार लूंगी, बस मुझे इतना ही चाहिए था। अब ये देखिए सब्जियां मेरी अच्छे से कुक हो गई हैं, और एक विसल और लगेगी तो ये बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। ये देखिए बहुत बारीक मैंने इसको चॉप किया था, बहुत अच्छे से ये गल गई हैं। अब मैंने जो ये तड़का रेडी किया था ये यहाँ पे मैं डाल दूंगी सारा का सारा, और आप यहाँ पे इसका टेस्ट नमक वगैरह आप चेक कर सकते हैं, इसका खट्टापन जितना आपको खाना हो आप देख सकते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया बना है सांभर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब बस एक ही स्टीम तक मैं इसको पकाऊंगी, सिर्फ स्टीम बजेगी, मतलब आएगी स्टीम और मैं इसको बंद कर दूंगी, विसल का मैं वेट नहीं करूंगी। तो फ्रेंड्स जब तक हमारा सांभर बन रहा है, उसमें स्टीम है, तब तक हम अपने आलू बना लेते हैं। या मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा, एक कड़छी के करीब, और इसको थोड़ा सा मैं गर्म होने दूंगी, हल्का सा मैं इस समय पे तेज करूंगी ताकि ऑयल गर्म हो जाए। उसके बाद मैं सिम कर दूंगी जिससे कि मसाले ना जले। तो ये देखिए आप हल्का सा तेल मुझे लग रहा है गरम हो गया, यहाँ मैं सेम हुई है, यहाँ मैं गैस को करूंगी सेम, और यहाँ पे सरसों के दाने डाल दूंगी, यहाँ पे ये सूखी लाल मिर्चें 3-4, और साथ में ही कड़ी पत्ता। तो थोड़ी देर में भुनने दूंगी,
और अब मैं डालूंगी यहाँ पे प्याज, ये मैंने लंबा लंबा काट लिया, एक बड़ा प्याज था उसको मैंने रफली चॉप किया लंबा लंबा ही। बंद, और ये देखिए इसको मैंने ज्यादा नहीं भूनना प्याज को, सिर्फ इसका कच्चा पान हल्का सा चला जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए क्योंकि उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है इसलिए, बिल्कुल हल्का सा ही। देखिए बस इतना ही मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ पे गैस को थोड़ा सा मीडियम टू स्लो कर देती हूँ क्योंकि अब यहाँ पे मैं राई वगैरह डाल चुकी हूँ, तो इसलिए बस इतना ही मेरे को भूनना है। यहाँ पे मैं एक चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर और एक चम्मच ही डालूंगी मैं अभी इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब ये मेरे 6 आलू थे जिसको मैंने बॉईल करके हाथ से फोड़ लिया है, इसको मैं सारा डाल दूंगी यहाँ पे। तो अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसालों के बीच में, और जितने मोटे टुकड़े हैं हम अभी इसको यहां से तोड़ लेंगे, और साथ में मैं डालूंगी इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहां मैंने थोड़ा सा सांभर निकाल लिया था जो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। आप चाहो तो इस वक्त पे इसमें पानी भी डाल सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जो कि डोसे पे अच्छे से ये लग जाए, और सांबर डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बस सांबर ऐड कर दिया। ये देखिए सांबर हमारा बन चुका है, इसमें स्टीम है, आलू भी हमारा रेडी है, बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो बस डोसे की ही तैयारी है, जो भी मोटे चंक आपको दिखे उसको मैश कर देना आप इसी तरीके से। बस यहाँ पे मैं गैस को करती हूँ ऑफ, और बस दिखाती हूँ आपको बैटर अपना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैटर हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला है, यहाँ पे मैं डालूंगी बस एक चम्मच के करीब नमक, इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। देखिए इतना ही बैटर होना चाहिए, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इनो का एक पाउच। मैंने ज़्यादा देर इसको बाहर नहीं रखा क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इसलिए अगर आप थोड़ा देर रख दें बाहर तो इनो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और चलिए बनाते हैं हम। ये देखिए कितना फूल गया ये, अब चलिए बनाते हैं अपना डोसा। देखिए हल्का सा मैंने इस पे ऑयलिंग कर दी थी, और अब मैं इसको अच्छे से पोंछ रही हूँ टिश्यू की हेल्प से। अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी, ताकि जो इसका है टेम्परेचर हम बिल्कुल अच्छे से कर सके। हर बार आपको ऑयलिंग नहीं करनी है, मतलब तवे पे नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा इसका टेम्परेचर आप हर समय स्लो करिएगा। देखिए अब मैं 2 पर्ची इस पे लूंगी और ये डाल दूंगी। अब इस तरीके से मैं राउंड 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 करके पूरा फैला लूंगी। देखिए बस गैस बिल्कुल अभी स्लो है, तो थोड़ी सी मैं बिल्कुल स्लो टू मीडियम करने वाली हूँ, ज्यादा तेज मैंने नहीं करनी है बस। और जब एक तरफ से ड्राई हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ऑयल लगाऊंगी, जल्दी से ये सूख ही जाएगा। देखो लग रहा है कि सूख रहा है, देखिए ऊपर से ड्राई हो गया है। अब यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल अप्लाई करूंगी बस इस तरीके से। बस बहुत ज्यादा ऑयल अप्लाई मैंने नहीं किया है, और इसको चारों तरफ मैं ऐसे फैला लूंगी बस।
और ये अपने आप ही साइड छोड़ देगा जब ये सीख जाएगा चारों तरफ से। ये देखिए लग रहा है नीचे से, ये देखो ब्राउनिश कलर आ गया है। अब यहां से हम साइडों से धीरे धीरे इसे हटाएंगे सब साइड से, साइडें सारी निकाल लेंगे हम ताकि ये निकालने में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। अब चाहे तो आप इसके अंदर आलू की फीलिंग भरिए, नहीं तो आप अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे नहीं खाते ये आलू की फीलिंग। तो आपका जैसे भी मन हो, मैं इसमें साथ में लगाने वाली हूं। और ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है, ये देखिए कितना अच्छा ये डोसा बना है। तवा अगर ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा बड़ा बनेगा, तवा छोटा है तो छोटा बनेगा। चलिए एक और मैं डाल के बताती हूँ आपको। देखिए एक बार मैं और एक डाल के दिखाती हूँ। अगेन इसको आप ठंडा करिए इसका टेम्परेचर, और इसको पोंछ लीजिए अच्छे से। पूरा इसको टेम्परेचर इसका लो हो गया। अब आप यहाँ पे इसको देखिए हल्का सा सूख गया है, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयलिंग करने वाली हूँ। बस अब ये सिकने दूंगी एक तरफ से, पता लग जाएगा ऊपर ये ब्राउन कलर इसके आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं टेढ़ा कर दूंगी ताकि सब जगह ऑयल अच्छे से स्प्रेड हो जाए। ये देखिए हल्का हल्का सीख गया। अब हम इसकी साइड छुटाएंगे, देखिए कितना ये पतला बना है। और यहां तक मैंने देख लिया, ये अच्छे से उतर रहा है। अब मैं यहाँ पे फीलिंग डालूंगी। और इसको रोल कर दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया और कितना अच्छा ये सीखा है। ये देखिए है ना मजेदार। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको कितना प्यारा इसमें कलर आया है। अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं हम। और ये देखिए मजेदार डोसा सांभर बनके हमारा रेडी है। बहुत ही अच्छा बना है, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं इसको आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया कलर आया और कितना अच्छा बना है। और आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। देखिए मैं दिखाती हूँ कितना क्रिस्प बना है। ये देखिए कितना क्रिस्प है और बहुत टेस्टी, बहुत खट्टा सांभर बहुत अच्छा बना है। मैं टेस्ट करती हूँ अभी। सचमुच बहुत ही टेस्टी है, तो जरूर बनाइए इसको। बाहर खाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बनाइए, हाइजीनिक ढंग से बनाइए। तो मिलती हूँ फिर एक ऐसी ही इजी सी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।